हेलो फ्रेंड्स, स्विच ऑन दिस साइड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं। ऐसे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप बेल बटन को जरूर प्रेस करना, सो दैट जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वाइट कैसे किया जाए, क्या है सही तरीका इन्वाइट करने का और क्या है रिस्पेक्टेबल वे ऑफ इनवाइटिंग समवन। तो दोस्तों, एज पर सोच चैनल सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है दोस्तों इनवाइट करने के लिए किसी को भी, तो वो चीज है दोस्तों डोंट लाई। कभी भी झूठ मत बोलना किसी को भी फोन पे या फिर पर्सनली इनवाइट जब करने जाओ कि एक ऐसा बिजनेस है भाई, तेरी लाइफ खुल जाएगी, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है भाई कि तू इतना कमा लेगा। मतलब इस तरीके की कोई भी आपको बात नहीं करनी, कोई भी आपको इस तरीके से मतलब उसको ऐसा एक दुनिया नहीं दिखानी है, ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी। आपको सिंपल सच बोलना है। और सच क्या है कि स्पीक ट्रूथ, कि लेट्स सपोज, मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं कि नॉर्मली हम लोग क्या तरीका अपनाते हैं। आज तक फोन करेंगे भाई, पहले दिन भाई तू कैसा है, कई दिनों बाद किसी को फोन किया, फिर अगले दिन भाई तेरे गोल क्या है, फिर अगले दिन भाई तू उनके लिए क्या कर रहा है, फिर अगले दिन भाई मिल, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है। सबको पता है, आप जैसे किसी को फोन करके पूछोगे ना इतने दिनों बाद, एक तो अगर आप किसी को एक दो साल बाद फोन कर रहे हो ना तो वो सीधा समझ जाएगा भाई नेटवर्किंग, और फिर आप घुमा के बात करोगे तो और चिढ़ जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग से लोग चिढ़े हुए नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग जिस तरीके से करी जा रही है ना इस इन सालों के अंदर जो करी जा रही है पिछले 15-20 साल से, लोग उससे ज्यादा चिढ़े हुए। झूठ बोल के बुलाना है और बाद में फॉलो के नाम पर उसका जीना आराम कर देना है। सुबह उसके घर पर पहुंच गए, शाम को उसके घर पहुंच गए, तो ऐसी हरकतें नहीं करनी है दोस्तों। इनवाइट करने का भी, अगर आप इस प्रोफेशन को रिस्पेक्ट दे दोगे ना तो बाकी लोग भी इसके रिस्पेक्ट करेंगे। आपको जो इनवाइट करने का जो सही तरीका होना चाहिए वो दोस्तों क्या होना चाहिए कि सीधा सच बोलो। एग्जांपल, किसी को भी फोन करो या किसी से मिलो तो सीधा क्या बोलो, आई एम चूजिंग नेटवर्क मार्केटिंग एज ए प्रोफेशन, कि सीधा बोलो। जैसे कि आपका एक दोस्त है अमित, वो इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और आप एज ए नेटवर्कर हो, तो आप सीधा अमित को क्या बोल सकते हो फोन करके, यार अमित वो कहेगा हाँ भाई, भाई आई एम चूजिंग नेटवर्क मार्केटिंग एज ए प्रोफेशन, कि भाई मैं नेटवर्क मार्केटिंग को एज ए प्रोफेशन चूज कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मैं इसमें अपना करियर बनाऊं। तो वो सीधा सरप्राइज, यार आज तक लोग घुमा घुमा के बातें करते थे, आज तक तो लोग इसके लिए पता नहीं कैसे कैसी बातें करते थे, तो करोड़पति बन जाएगा, अरबपति, मिल मेरे से, ग्रेविटी बनाते थे, ये सब हरकतें करते थे। ये बंदा सीधा बोल रहा है कि भाई मैं नेटवर्क मार्केटिंग एज ए प्रोफेशन चूज कर रहा हूं, तो सीधा बोलेगा भाई ये जैसा प्रोफेशन आ गया आपके सामने अपॉर्चुनिटी है, सीधा समझो भाई ये क्यों प्रोफेशन नहीं है, बल्कि ये तो इतना बढ़िया प्रोफेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रूफ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह से जॉब्स खत्म कर दी जा रही है, इकलौता ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर जॉब हमेशा रहेगी या लोगों की जरूरत हमेशा रहेगी। तो आपने एक तो उसके सामने एक नई चीज उसको बता दी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कैसे जॉब्स कम हो रही हैं, तो वो सोचेगा कि हाँ थोड़ा लॉजिकल बात हो रही होगी तो उसको भी इंटरेस्ट आएगा। फिर उसके बाद आप सीधा उसको बोल सकते हो ये लाइन, आप जरूर बोलेगा उसी के उसी समय कि देख दोस्त, जैसे तू एक प्रोफेशनल इंजीनियर है वैसे ही मैं एक प्रोफेशनल क्या बोलते हैं नेटवर्कर हूं, जस्ट मेरा जो प्रोफेशन है वो डिमांड करता है कि मैं एक बार अपना जो प्लान है वो तेरे साथ शेयर करूं, बट शेयर करने से पहले ही मैं तेरे को दोस्त ये चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि जैसे तू मेरे को आके परेशान नहीं करता ना मेरे पास दोबारा जब मिलने घर जब घर पे मिलते हैं, पर्सनल स्पेस में मिलते हैं, कि मैं ऐसे कोडिंग करता हूं, मेरी ये कोडिंग है, मतलब जैसे तू अपने इंजीनियरिंग की बातें मेरे साथ नहीं करता मेरे भाई, तो मैं भी तेरे को एक बार प्लान जरूर दिखाऊंगा, बट उसके बाद तेरी मर्जी है, तू मेरे इस साथ मतलब एसोसिएट या मेरी कंपनी का पार्ट बनना चाहता है या नहीं, अगर तू नहीं भी करना चाहता होगा तो भाई मैं बीइंग ए प्रोफेशनल क्या बोलते हैं नेटवर्कर, मैं तेरे को दोबारा कभी भी डिस्टर्ब नहीं करने वाला, हमारा जस्ट एक बार जरूर मिलूंगा क्योंकि मेरा ये प्रोफेशन डिमांड करता है कि मैं एक बार तेरे से अपना प्लान डिस्कस करूं, बट उसके बाद भाई मैं आई एम नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब यू, मैं तेरे को बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा, जैसे कि होता रहा है, क्योंकि मेरे साथ भी ये पास्ट में हुआ है कि मैंने कभी किसी का प्लान देखा और उन्होंने बाद में मेरा जीना आराम कर दिया ज्वाइन कराने के चक्कर में, तो भाई मैं तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करने वाला, जस्ट मैं तेरे से एक बार मिलना चाहता हूं। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ, देखो एक तो आपने क्लियर थे, पहले ही क्लियर थे डायरेक्टली, एक तो आपने एज ए प्रोफेशन इसको रखा तो उसको भी सुनने का थोड़ी चीज मिली, भाई प्रोफेशन ये कैसा प्रोफेशन, अब आप उसको बता सकते हो कि क्यों ये अच्छा प्रोफेशन है। फिर उसके बाद आपने उसको झूठ नहीं बोला तो आपसे चिढ़ेगा नहीं, और अगर वो आपको टाइम देगा, क्योंकि हमने पिछले 3-4 दिन में एक्सपेरिमेंट करके देखा और बहुत ही शानदार रिजल्ट है, अगर आप देखोगे तो आप खुद सरप्राइज हो जाओगे कि यार इतना इजी था इनवाइट करना। अब देखो, अब एक एग्जांपल और लेते हैं, आपका एक दोस्त है,
आप उसके घर गए, आपने उसको बोला भाई 5 मिनट का काम है, और आपने उसको बाइक पे बिठाया और आप उसको एक जगह ले गए और 5 घंटे में उसको वापस लेके आए, उसको घर पे डांट पड़ रही है, उसका खुद का मूड खराब है, और वो क्या बोलेगा, वो अपने आप तक नहीं रखेगा वो चीज, वो क्या करेगा आपके और उसके अगर 4 दोस्त 5 दोस्त कॉमन हो गए तो उनको भी फोन करके बताएगा भाई आज वो मेरे को ले गया वहां पे, मैंने ऐसा कर दिया, उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया, उसके साथ मैं दोबारा नहीं जाऊंगा, इस तरीके की हरकत करेगा। लेकिन अगर आप अपने दोस्त के घर गए और उसे बोला कि भाई 5 घंटे का एक काम है, चल रहा है, आपका दोस्त आपके पीछे बैठा, 5 घंटे में वापस है, उसको घर पे उतार दिया, आपका दोस्त क्या करेगा, आपका दोस्त सिंपल बोलेगा, किसी को फोन करके बताएगा आप भाई 5 घंटे बोल के गया था, 5 घंटे में आ गया, कभी नहीं बताएगा ना। सेम चीज है, अगर आप उसको घुमा फिरा के फोन पे बात करोगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज टाइप की फालतू की बकवास करोगे और फिर उसको ले जाओगे और प्लान दिखा दोगे, तो वो आके क्या करेगा, वो आके सारे दोस्तों को बताएगा भाई ये तो मेरे को ना झूठ बोल के ऐसे जगह ले गया, इस तरीके की इसने मेरे को चीज दिखाई, कोट पैंट टाई वाले थे, वहां मुजरा सा कर रहे थे और मैं वहां से आ गया बच के, भाई तुम मत जाना, क्योंकि वो चिढ़ गया क्योंकि आपने उसको झूठ बोला। झूठ बोला मतलब उसके साथ वही हरकत करी कि 5 मिनट का बोल के 4 घंटे के लिए ले गए। लेकिन जब आप उसको सीधा ही सच बोल दोगे तो वो क्या वाली चीज होगी, उसका कुछ ऑप्शन ही नहीं है, आपने सीधा बोला, क्या तो वो बोलेगा कि ठीक है मैं तेरा प्लान सुन लूंगा, या वो बोलेगा कि यार मेरे को इस चीज में इंटरेस्ट नहीं है, बट नहीं भी बोलेगा तो वो और दोस्तों को नहीं बताएगा, अरे यार उसने मेरे को आज फोन किया था और वो मेरे को बोल रहा था कि वो प्रोफेशन एज ए चूज कर रहा है, क्यों, क्योंकि आप उसके साथ सही थे। और ये ह्यूमन बिहेवियर होता है कि अगर आप गलत नहीं करते, आपने जो चीज हम क्लियर रखते हैं तो वो इंसान बाकी लोगों को साथ नहीं शेयर करता। तो अच्छी चीज है कि आप एक दोस्त के पास गए, आपने सीधा उसको बोला, तो आपके बाकी 4 दोस्त भी बचे हैं, उनके साथ भी आप डायरेक्टली सीधा ये चीज रखोगे तो आपके 5ों दोस्त आपकी सुनेंगे। ऐसा नहीं है कि एक को आपने झूठ बोल के सुना दिया और बाद में उसने 4ों को नेगेटिव कर दिया, इसका फोन है ना मत उठाना, आया तो उसको बोली दे देना। तो अच्छी चीज होगी एक तो आपके साथ ये, और दूसरा क्या है कि जब आप क्लियरली बोल सकते हो कि यार ये मेरा प्रोफेशन है तो उसको छुपाना क्यों, फिर बोलते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई इज्जत नहीं है मार्केट के अंदर, लोग नेगेटिव है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, लोग नेगेटिव नेटवर्क मार्केटिंग के लिए पता है क्यों है, इसकी वजह से, जूस और दारू, ये कंसेप्ट है सोच चैनल का, नया कंसेप्ट कि हमने नेटवर्क मार्केटिंग को दारू की तरह प्रमोट करते हैं। कैसे दारू कैसे प्रमोट होती है, अगर मैं बताऊं, 4-5 दोस्त हैं, उनको ड्रिंक करनी है, वो क्या कर रहे हैं, झूठ बोल के दोस्त के घर पे, आंटी आज ना मूवी देखने जा रहे हैं, मैं ले जाऊं उनको, हाँ ठीक है चले जाओ, अंकल पंकज को ले जाओ, हम ना एक दोस्त का बर्थडे है, इस तरीके की हरकतें करी, दोस्त हुए इकट्ठे और कॉलेज के दोस्त क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं ड्रिंक करने के लिए, छुप छुप कर, वहां भी छुप छुप के कोई देख ना ले, ये सब हरकतें जो छुप छुप के हम करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि, क्योंकि हमें पता है कि सोसाइटी हमारी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती, इसको ये नेगेटिव चीज देखा जाता है ड्रिंकिंग को, तो हम वो लोग छुप छुप के करते हैं, हम लोग छुप छुप के करते हैं। सेम नेटवर्क मार्केटिंग भी, क्योंकि हमारे मोटिवेशनल सो कॉल्ड स्पीकर्स ने हमारे को ऐसे ट्रिक्स समझा रखी हैं जैसे कि हम सब कोई नशा बेच रहे हो, हम एक ऐसी घटिया चीज बेच रहे हो कि उसको ऐसे ही बेचना है, इस तरीके से ही सेल हो सकती है वो चीज, तरीका ही वो समझाया, पूछो सपने पूछो ये पूछो वो पूछो, दोस्तों कुछ मत पूछो, सिंपल जूस की तरह रिएक्ट करो, जैसे जूस होता है ना उसको पीने के लिए कभी होता है, जूस पीने के लिए आप सीधा बोल दोगे आंटी आंटी राहुल को भेजना जूस पीने जा रहे हैं, आंटी बोलेगी चलो जाओ भी बेटे जा जूस पी, क्या सेम चीज है। नेटवर्क मार्केटिंग हम दारू की तरह प्रमोट करते हैं, खुद छुप छुप के डर डर के, किसी और को ना पता लग जाए, आज सिर्फ इसको बुलाऊंगा ये किसी और को ना बता दे, इनको बाद में टारगेट करूंगा, भाई क्या है अगर हम खुद नहीं जोड़े होंगे एज ए प्रोफेशन इसको रिप्रेजेंट करेंगे, अगर हम खुद इसको जूस की तरह की गली के कोने पे खड़े होकर भी चोड़े होकर पी रहे हैं तो वही चोड़ापंती आपको चाहिए कि ये चीज बोलने में कि भाई आई एम ए प्रोफेशनल नेटवर्कर, सिर्फ इतना बोल दोगे तो कुछ चला नहीं जाएगा। पता क्या होता है ये सब चीज स्टार्ट कहां से हुई है, घुमा फिरा के बात करने वाली, जब कूड़ा कचरा बिकता है ना तो ऐसे ही बजाया जाता है कूड़े कचरे को, उनको पता है कूड़ा कचरा है, क्योंकि दोस्त ने थोड़ा सा भी पूछ लिया कि भाई कंपनी करती क्या है, तो ज्यादा बताने को तो होगा नहीं, अगर कंपनी कोट पैंट टाई बेच रही है या कंपनी ऐसा कोई कोर्स बेच रही है जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है तो उस केस में आप क्या बताओगे उसको, उस केस में तो फिर वही काम आएगा मोटिवेशन कि यार प्रोडक्ट के बारे में कुछ बता नहीं सकता, प्रोडक्ट तो कूड़ा है, तो अब इसको कैसे भी झूठ बोल के सेमिनार तक लेके जाना है, वहां पे बड़ी बड़ी बातें करने वाले 2-4 लोग बिठा रखे होंगे और वहां पे मुजरा करने वाले 5-10 लोग होंगे, वो उन 2-4 वालों की और ज्यादा तारीफ कर रहे होंगे, एक माहौल सा बन जाएगा, एक मोटिवेशन का माहौल बन जाएगा, मोटिवेशन के अंदर ही अंदर क्या पता ये कुछ पैसे फेंक दे, और इस तरीके से अगर आप प्रमोट करोगे और फिर बाद में बोलोगे कि इस प्रोफेशन को रिस्पेक्ट नहीं मिल रही और बाद में बोलोगे इनवाइट करने का तरीका क्या है, इनवाइट करने का क्या तरीका है, भाई दोस्त से पूछते हो जूस पीने जाना तो कैसे इनवाइट करते हो, ऐसे तो करते हो भाई जूस पीने चलेगा,
या दारू पीने जा रहे हो कैसे करते हो भाई, दारू पीने चलेगा? तो सेम चीज है, नेटवर्क मार्केटिंग अगर प्रमोट करने जा रहे हो तो भाई सीधा बोलो ना कि भाई मैं नेटवर्क मार्केटर हूं, एज ए प्रोफेशन चूज किया है, तेरे को प्लान दिखाना चाहता हूं, देखेगा? बस इतना ही आपको बोलना है और वो देखेगा, और वो पक्का देखेगा, नहीं देखेगा तो वही मना कर देगा, लेकिन मना भी कर देगा तो आपके बाकी के चार दोस्तों को नहीं बताएगा, तो आप उनसे बात कर लो। तो दोस्तों एज पर सोच चैनल ये एक सही तरीका है, हमने इसको, और ये मैं आपके सामने जस्ट ऐसे ही शेयर नहीं कर रहा, ये मैं आपके सामने अपने पिछले 5 दिन के नेटवर्क मार्केटिंग के करियर के, आज मेरे को 5 दिन हो गए हैं अराउंड, और इसलिए आपके साथ ये चीज शेयर कर रहा हूं कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, लोग आते हैं, लोग सुनते हैं, और आपको बहुत अच्छा लगेगा इस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग करना। तो ठीक है दोस्तों, अपने आप को एज ए प्राउड नेटवर्कर आप रिप्रेजेंट करें, और ऐसे हमारे सोच चैनल को सपोर्ट करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर।